नमस्कार, तो मैं हूँ वीना सिन्हा, MHFA, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर, यानी के दिमाग की नर्स। तो आइए देखते हैं आज ये दिमाग की नर्स आपसे क्या बात करना चाहती है। ठीक है, वैसे मैं न्यूज बहुत कम देखती हूँ, स्पेशली कोविड टाइम में तो बहुत ही कम, लेकिन फिर भी दिन में एक बार TOI ऐप पे नजर मार ही लेती हूँ। तो आज जो न्यूज़ मुझे इम्पैक्ट कर गई वो थी ये स्टडी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। दिस स्टडी हैज़ बीन डन बाय वॉलंटियर्स ऑफ एजवेल फाउंडेशन। तो इस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, कोविड डेथ्स हैव अफेक्टेड 82% ऑफ एल्डरली विथ एंग्जाइटी। जी हाँ, इन वॉलंटियर्स ने 5,000 एल्डरली के साथ इंटरव्यूज किए, उससे कुछ फाइंडिंग्स पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो मैंने कहा 82% ऑफ एल्डरली आर सफरिंग विद एंग्जाइटी, उसके बाद इन्होंने ये भी पता लगाया कि 70% ऑफ रेस्पोंडेंट्स वेर फाउंड सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस और इनसोम्निया और नाइटमेयर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक और फाइंडिंग जो निकली वो थी मोर देन हाफ, दैट मीन्स 55% ऑफ द एल्डरली क्लेम्ड दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग वीक एंड फटीग ड्यू टू द चेंज इन लाइफस्टाइल, रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर फैक्टर्स दैट हैव कम अलोंग विद कोविड। एट द सेम टाइम ओवर 52% कंप्लेंड ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट। देखिए कितनी शॉकिंग स्टैट्स निकल के आ रही है, इजंट इट? अब आप ही बताइए, इस योग के देश में, इस देश में जहां रामचंद्र जी, सीता जी, कृष्ण भगवान की इतनी पूजा होती है, ऐसे देश में जहां पे परिवार सारे मिलजुल करके रहते हैं, ऐसे देश में हम एल्डरली इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? नींद की इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों हमें भूख नहीं लगती? क्यों हम इतने सैड हैं, इतने परेशान हैं? ये होपलेसनेस क्यों आ रही है? चलिए हम कुछ लोगों से पूछते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली अपने को हेल्दी रखे हुए हैं। तो आइए हम भी पता लगाते हैं कि वो किस तरह से इस हेल्थ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओके, नाउ फाइनेंशियल वेलबींग के एरिया में मैंने मिश्रा जी से बात की। ये मिश्रा जी एक CA हैं और इनको फाइनेंस की काफ़ी नॉलेज है। ये अभी अराउंड 70s में हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही पते की बात बताई। यू नो क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि वीना जी, अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैंने जो करना था वो कर लिया है, मैंने लाइफ को भरपूर जिया है, अब अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि वो अपने सारे जो बैंक डिटेल्स हैं, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो है अपनी वाइफ से शेयर कर लिया है, और इसके बाद उन्होंने जो नॉमिनेशंस है, लाइक PF है, PPF और जो भी उनके जहाँ जहाँ भी थे, इसमें भी उन्होंने बताया कि इसमें नॉमिनीज में उन्होंने अपने बच्चों के नाम डाल दिए हैं। तो आप देखिए, क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? नेक्स्ट मैंने बात की पॉल साहब से। नाउ ये था मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मैं जानना चाहती थी उनसे कि वो किस तरह से अपने को मेंटली हेल्दी रखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने कहा कि वीना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इसीलिए मैंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिया है। मैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ और इस तरह से मैं देश की सेवा भी कर रहा हूँ और अपना दिमाग सही दिशा में भी लगा रहा हूँ। एंड मैंने सोचा, वाओ, दिस इज सो गुड, है कि नहीं? तो आप भी देखिए, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं या श्री श्री रविशंकर है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ये इस्कॉन की कम्युनिटी है। आपको जहाँ भी दिल लग जाए आपका, आप उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए मैंने अपने कुलीग्स से भी बात की, ज्योति, सिमिता एंड अदर्स, एंड यू नो वो क्या कह रहे हैं। सिमिता ने कहा कि उसे बुक्स का बहुत शौक है, लेकिन इतने समय से वो बुक्स नहीं पढ़ पा रही थी, तो उसने अपनी लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी से किताबें निकाल ली हैं
और उसका अभी इंटरेस्ट जागा है ओल्ड इंडियन कल्चर, तो वो you know, पूरा इंडियन कल्चर समझ रही है, हजारों साल पुराना वो सारी चीज़ें अपने को समझ रही है, गूगल कर रही है, अपना ज्ञान बढ़ा रही है और इसके साथ ही साथ वो बिजी रह रही है, ये उसको बहुत खुशी भी दे रहा है। तो देखिए वो ये कर रही है। ज्योति से जब मैंने बात की, you know, ज्योति क्या कह रही थी कि मैं तो 7 बजे के करीब अपने छत पर पे जाती हूँ और बहुत जोर जोर से तालियाँ मारती हूँ। तालियां बजाने से बहुत सारे नर्व्स you know, एक्टिवेट होते हैं और बहुत ऑक्सीजन बढ़ता है। उसने मुझे बताया कि जब उसने you know, ताली बजाना शुरू किया तो उसके आस पड़ोस की छतों में भी लोग निकल के आने लग गए और अब 7 बजे करीब 10-15 लोग जो है वो घर के ऊपर आते हैं अपने छत पे और सब लोग 7 बजे ताली बजाते हैं। तो देखिए आप ही बताइए, इन सब चीज़ों से मेंटल हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही ना। तो फिजिकल हेल्थ के लिए मैंने जो है सिन्हा साहब से बात की, जो कि करीब 70 साल के हैं, you know, वो अपनी बहू बेटी इन सब के साथ रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, और उन्होंने बताया you know what, एक तो है कि वो योगा करते हैं एवरी मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि मेरा रूटीन है, मैं सुबह उठता हूँ, 2 घंटे योगा ज़रूर करता हूँ। और उसके बाद में जब मैंने बात की मिस्टर शर्मा से, you know what, मज़ेदार उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं किचन पे जाता हूँ करीब 12 बजे के करीब, वहाँ मेरी बहू जो है वो कुछ ना कुछ खाना बना रही होती है और मैं उसका हेल्प करता हूँ। मैं जाके उससे पूछता हूँ बहू से कि बेटा बताओ आज मैं तुम्हारा क्या हेल्प करूँ, कौन सी सब्जी काटूँ, क्या करूँ, और वो करते हैं ये। उसी तरह से मिस्टर पॉल से भी जब मैंने बात की, उन्होंने कहा you know, कि वो झाड़ू लगाते हैं। यस, वो रोज़ घर का झाड़ू लगाते हैं। अब बताइए इससे अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज और कोई क्या सकता है ना। अब आप ही बताइए, कोई अगर ये फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल वेलबींग में काम करता रहे तो वो कैसे, उसको डिप्रेशन आ सकता है, कैसे इंसोमनिया आ सकता है, कैसे उसकी भूख मर सकती है ना। तो फिर चलिए हम अपनी लाइफ जितनी भी बची है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मस्त रहते हैं और खुद भी खुश रहते हैं और चारों तरफ खुशियां बांटते हैं। ठीक है, प्रॉमिस।